नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल राम राम ताऊ के अंदर। स्वराज 855 FE 5 स्टार के अंदर भाई ये साइड शिफ्ट गियर के अंदर ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है और किसान भाई बहुत पसंद भी कर रहे हैं इस ट्रैक्टर को। वीडियो लास्ट तक देखना भाई। ये इनके पास भाई सेंटर गियर और साइड शिफ्ट गियर दोनों में खड़ा है। ये साइड शिफ्ट गियर के अंदर है, आप देख सकते हो ये साइड शिफ्ट गियर है और ये भाई सेंटर गियर के अंदर है। आप जो भी लेना चाहे ऑप्शन के अंदर, आप कोई भी ट्रैक्टर साइड या सेंटर में आप ले सकते हो। क्या क्या चेंजिंग है दोनों ट्रैक्टरों के भाई अभी नज़र डालेंगे। डीलर चाहे जो मर्जी बताए, कंपनी जो मर्जी बताए, बट हम ही इसके ट्रैक्टर के भाई जो जो चेंजिंग है ये खुद ही चेक कर लेंगे भाई अभी, और आपको दिखा भी दूंगा अभी क्या क्या ज़्यादा चेंज इसके ट्रैक्टर के अंदर हुआ है और क्या नहीं हुआ है भाई। मेरे को तो भाई ज़्यादा कुछ चेंज लगता नहीं, बाकी वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना भाई। 55 HP कैटेगरी के वेट ट्रैक्टर है स्वराज 855, दोनों के अंदर HP सेम है भाई, कोई HP के अंदर चेंज नहीं किया है। आगे के टायरों के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, पीछे के टायर भी वही ऑप्शन 14 के और 16 के दोनों ऑप्शन में आप ले सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे का फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल, दोनों के अंदर आप एडजस्टेबल मिलेगा और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दोनों में मिलेगा भाई। ऐसे नहीं है कि सेंटर के अंदर मिलेगा सर, डबल के अंदर जो साइड शिफ्ट गियर है उसके अंदर डबल एक्टिंग मिल जाएगा, नहीं भाई सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा और सेम ही भाई, और सेम पंप मिलेगा आपने। और कलर के अंदर भी भाई कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों का सेम कलर मिलने वाला है। PTO वगैरह भाई सेम मिलेगी, जो कंपनी बता रही है भाई इसके अंदर चेंज भाई चूल्हे का बता रही है। इसका जो चूल्हा है ये भाई सेंटर गियर का चूल्हा है, आप देख सकते हो ये सेंटर गियर का चूल्हा है, इसकी लंबाई आप देख सकते हो, और ये साइड शिफ्ट गियर का चूल्हा है। कंपनी बता रही है कि साइड शिफ्ट गियर का जो चूल्हा है वो थोड़ा सा लंबाई के अंदर भी है, अगर 2-1 इंच बता रही है कि इसका थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा कर दी है चूल्हे की, बट मेरे को इतना देखने में ज़्यादा चेंज लग नहीं रहा। बाकी हो सकता है कि थोड़ा सा लग रहा है मेरे को भी, थोड़ी सी इसकी लंबाई चूल्हे की है इन्होंने, यही चेंज बता रहे हैं। और एक चेंज और बता रहे हैं भाई, उस पर भी नज़र डालेंगे, वीडियो लास्ट तक देख लेना भाई। बाकी PTO वगैरह की भैया गियर वगैरह सेम ही इसमें सेंटर के अंदर है और सेम भाई साइड शिफ्ट गियर के अंदर आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। मीटर वगैरह भाई सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। इसका मीटर और इसका मीटर देख सकते हो भाई, सेम मीटर है, बाकी कोई चीज़ में चेंज नहीं है भाई। वही एयर क्लीनर मिलने वाला है, वही आपके टायर, वही मगराड़, वही इंडिकेटर, कुछ ही भाई चेंज नहीं है कुछ भी, सिर्फ ये चेंजिंग बता रहे हैं। और वो भी भाई मुझे अब जब फिता होता तो मैं आपको माफ कर बता देता कि चेंज है या नहीं है, बाकी आप बताना भाई। ये साइड शिफ्ट का चूल्हा है देख सकते हो, और ये सेंटर का चूल्हा है भाई। और एक बता रहे हैं भाई ये चेंज है कि भाई इस ट्रैक्टर की साइड शिफ्ट की जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो सेंटर गियर की लिफ्ट कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाई गई है, ये चेंज बता रहे हैं भाई, बाकी कोई चेंज नहीं बता रहे। इसकी थोड़ी सी लिफ्ट कैपेसिटी है साइड शिफ्ट गियर की, वो थोड़ी सी बढ़ाई है। इस साइड भी देख लेते हैं भाई कौन सा मॉडल खड़ा है। इस साइड भी सेंटर गियर खड़ा है भाई, ये भी सेंटर गियर के अंदर है, और सीट भी एडजस्टेबल है भाई, वही सेम ही आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, और ऊपर भी इसको ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो भाई। ये भी इसका हाई लो मीडियम गियर इस साइड के अंदर है, हाई लो दोनों के अंदर न्यूट्रल होता है, हाई लो मीडियम साइड शिफ्ट, ये बढ़िया किया इन्होंने साइड शिफ्ट का। जो भाई ऑप्शन के अंदर आप लेना चाहो तो सेंटर और साइड के दोनों ऑप्शन में आप ले सकते हो भाई, किसी को भाई साइड शिफ्ट पसंद नहीं है और सेंटर गियर पसंद है तो वो भी ऑप्शन में यहाँ अवेलेबल है भाई। और लिफ्ट कैपेसिटी की भाई इसकी थोड़ी सी भाई लिफ्ट कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है साइड शिफ्ट गियर की, और सेंटर की थोड़ी सी बता रहे हैं कि भाई इससे थोड़ी सी कम है, ज़्यादा कोई चेंजिंग है नहीं। बाकी चूल्हे का बता रहे तो चूल्हा हो गया, और लाइटें वगैरह भाई सारी सेम मिलेगी, बाकी और कोई ज़्यादा चेंज इस दोनों ट्रैक्टरों के अंदर है नहीं, सिर्फ साइड शिफ्ट गियर का भी चेंजिंग किया है। बाकी अभी ट्रैक्टर बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा मार्केट बनाई है ट्रैक्टर ने, और किसान भी हंसकर इसको ले भी रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है कि साइड शिफ्ट पसंद नहीं कर रहे भाई, आँख बंद करके ले रहे हैं। बाकी आगे कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता वो तो भाई किसान से किसी का रिव्यू करेंगे, जिस किसान भाई ने अभी खरीदा है वो चला कर देख रहे हैं। अभी तो भाई एक मंथ हुआ इसको लॉन्च हुए को, बाकी इसको कम से कम 6-7 महीने या साल तक यूज़ करेंगे तो तभी भी इसका पता लग पाएगा भी भाई साइड शिफ्ट और सेंटर गियर के अंदर कोई दिक्कत वगैरह आई है नहीं, दोनों में के अंदर क्या डिफरेंस है, गियर बॉक्स के अंदर आवाज़ वगैरह या आ रही है या नहीं आ रही है, कितना कामयाब है भाई।
भाई एक छोटी सी वीडियो थी भाई, बात करें प्राइस की, तो भाई प्राइस आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कर कर भाई वहाँ से आप पता कर सकते हो, और अप डाउन भाई प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई आप प्राइस अपने नज़दीकी जो डीलर हैं उन्हीं से ही पूछ लिया करो भाई। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरी वीडियो देखी।